कि आर्टिस्ट की ही गैलरी है, इसमें जो जिन आर्टिस्ट की हम बात कर रहे थे तो वही लोग अवेलेबल हैं। ऐसे एक रूम से दूसरे रूम, एक वॉल से दूसरे रूम पे जाते हैं, जिस भी पेंटिंग के ऊपर सिलेक्ट करते हैं उस आर्टिस्ट का नाम, उसका साइज, उसका मटेरियल, वो सारा देखने को मिलता है। किसी भी पेंटिंग को थोड़ा पास जाके देखना है या जूम करना है तो आप ऐसे आगे पीछे कर सकते हो। बड़ी अचीवमेंट तो आपके सामने है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2800 आर्टिस्ट दुनिया भर से आए और उन्होंने एक आर्ट को सबमिट किया जो हमने एक वर्चुअल आर्ट गैलरी फॉर्म में डिस्प्ले किया और पूरी दुनिया को दिखाया। तो आगे का प्लान ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन जो हमने क्रिएट करी है इसको और ग्रो कराएं और आर्टिस्ट को मौका दें कि इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बने और फ्यूचर में उनके लिए अनेक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। जो आर्टिस्ट थे उनको किस तरह का इससे फायदा हुआ, क्या कुछ पेंटिंग्स भी की? ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सबसे पहले तो एक आर्टिस्ट को मौका मिलता है अपना आर्ट शोकेस करने का। आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने आर्ट को दुनिया को दिखा सके, तो ऐसा प्लेटफॉर्म क्योंकि अच्छे से एग्जिस्ट नहीं करता था इंटरनेट वर्चुअल लेवल पे, तो एक तो सबसे पहला बेनिफिट ये हुआ। दूसरा, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारे आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग को बेचा है। 300 रुपए की पेंटिंग से लेके 70-80 हजार रुपए तक की पेंटिंग इस पे आर्टिस्ट ने डाली थी। काफी सारे आर्टिस्ट को एक शॉप सेलिंग का प्लेटफॉर्म मिला और सबसे अच्छी बात यह कि बिना किसी कमीशन के, किसी भी गैलरी में या कहीं पर भी आप सेल करते हो कोई भी आर्ट तो आपको कुछ कमीशन लगती है उसकी, यहाँ पे जीरो कमीशन थी, सारे पैसे आर्टिस्ट को उसके पास मिलते हैं। उसके अलावा फंड रेजिंग का ऑप्शन है, अगर कोई आर्टिस्ट के पास पैसा नहीं है और वो कुछ पैसा रेज करना चाहता है अपने आर्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो इसमें वो फंड रेजिंग रिक्वेस्ट बना के काफी सारे आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं, तो चाहे वो फंड रेजिंग रिक्वेस्ट छोटी हो या बड़ी हो इसके अंदर वो फंड रेजिंग कर पाता है। उसके अलावा हमने एक लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट करा है इसके अंदर ही, जहाँ पे कोई कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो और बच्चों को कोर्सेज लेके इनकम का जरिया बना पाते हैं, तो मतलब यहाँ पर वो पेंटिंग का कोर्स हो या वो स्केचिंग का कोर्स हो या कैलीग्राफी का कोर्स हो, तो ऐसे आर्टिस्ट हैं कुछ जो हमारे साथ जुड़े हैं और वो कोर्सेज ले रहे हैं, लाइव कोर्सेज या जूम कोर्सेज हमारे ये प्लेटफॉर्म। आपने 3D रूम्स भी बनाए, एग्जीबिट किया, वो किस तरह का कॉन्सेप्ट रहा? वो बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट रहा, बहुत कम टाइम था ये सब क्रिएट करने के लिए। एक 3D वर्चुअल गैलरी हमने क्रिएट करी जिसके अंदर 71 कमरे हमने बनाए, हर कमरे के अंदर अलग दीवारों के कलर हैं, उसके ऊपर वो पेंटिंग्स लगी हुई हैं, और ये बहुत यूनिक था। सबसे इंटरेस्टिंग काम यही था इस पूरे एग्जीबिशन का कि हमने एक वो 3D फॉर्म के अंदर उस गैलरी को लेके आए और 2800 पेंटिंग्स उन कमरों के अंदर लगाई। सर, अभी तक जो है सबसे महंगी जो है कौन सी पेंटिंग लिखी आपके साथ, आपके पास डाटा अवेलेबल है? बेसिकली क्योंकि हमने इस प्लेटफॉर्म को इन्हीं पिछले 2-3 महीने में क्रिएट किया और ये इवेंट किया, तो अभी हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट बायर और सेलर का कनेक्शन रखा हुआ है, इसलिए क्लियर डेटा हमारे सामने हम प्रोवाइड नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली कितनी है, पर बहुत सारे पेंटर्स ने अपनी पेंटिंग बेची है। सबसे महंगी या सबसे सस्ती का डेटा हमारे पास नहीं है, बट धीरे धीरे आगे हम इसके ऊपर पेमेंट गेटवे का प्लेटफॉर्म लेके आएंगे जहां पे एक आर्टिस्ट अपना खुद का अकाउंट कनेक्ट कर पाएगा और फिर हमें पता चलेगा कि क्या ट्रांजैक्शन हो रही है। अभी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, अभी हमारा इतना सिंपल सिस्टम है कि पेंटिंग पे कोई भी बायर करेक्ट क्लिक करता है, डायरेक्ट आर्टिस्ट के पास कनेक्ट हो सकता है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।